हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट का टॉपिक करेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स, जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है इस सब्जेक्ट से। अगर आप इस सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, या क्लासेस लेना चाहते हैं पर्सनली इस सब्जेक्ट की या और किसी सब्जेक्ट की, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को ऑन द गिवन नंबर व्हाट्सएप पे। डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, मीनिंग ऑफ कॉमर्स। देखिए, कॉमर्स बेसिकली आपने यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट किया होगा, तभी आपने ये बीएड में भी ऑप्ट किया है। एंड कॉमर्स की यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? डायरेक्ट मीनिंग लिखना है हमें, घुमा फिरा के कुछ नहीं डालना है, एंड एग्जैक्ट डेफिनेशंस डालनी है जिससे ये पता चले हाँ भाई मीनिंग क्या है कॉमर्स का, राइट? तो देखिए, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड बेसिकली, ठीक है? मतलब एक ऐसी चीज जिससे प्रॉफिट हो, ठीक है? एक ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसी सर्विसेज जिससे मुनाफा हो। लेकिन अगर वहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो काम किसी चैरिटी के लिए हो या वैसे ही करा जाए, या ऐसा कोई एक्टिविटी कि जिसमें ट्रेड तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो कभी भी कॉमर्स नहीं कहलाएगा। कॉमर्स मतलब आप कुछ ऐसी सर्विसेज किसी को दे रहे हो या कुछ उसके साथ बिजनेस कर रहे हो जिससे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो कॉमर्स है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कॉमर्स नहीं है, ठीक है? एक बार रीड कर लेते हैं। कॉमर्स इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉमर्सियम, ठीक है? कौन से वर्ड से? कॉमर्सियम वर्ड से, लैटिन वर्ड जो कि है उससे डेराइव है, जिसका मतलब होता है ट्रेड या ट्रेडिंग, ठीक है? कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस, ये एक बिजनेस की ब्रांच है, ठीक है? इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स एक्सचेंज होते हैं या सर्विसेज। लाइक आप किसी सलोन में जाते हो, आपको वहां पे सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है? वहां पे जो सलोन वाले होते हैं वो उस आपको सर्विसेज देने से क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है? तो ऐसी एक्टिविटीज, सर्विसेज वाली एक्टिविटीज, जैसे कि आप अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसको सर्विस कराते हैं, ठीक है? मतलब उसकी मरम्मत कराते हैं, या फॉर एग्जांपल आप एसी जो आपका होता है उसको हर साल आप यहाँ पे वॉश कराते हैं, ठीक है? तो ऐसी सर्विसेज मतलब कोई भी सर्विस, चाहे वो आप सलोन में जाकर ले, कोई मसाज ले आप, कोई ब्यूटी सर्विसेज आप ले, ठीक है? या आप लगा लीजिए आपने घर पे बुला के कोई सर्विसेज अवेल करी है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ठीक कराया है, ठीक है? या उनको जो है मंथली या ईयरली उनकी एक सर्विस कराई है, ठीक है? या और कोई भी सर्विसेज आप देख लीजिए, ठीक है? या गुड्स हो गए कि गुड्स वगैरह हमने परचेज किए हैं, ठीक है? तो इवेंचुअली क्या होता है, या हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स दे रहे हैं, तो हमारा मोटिव क्या होता है कि भाई मुझे इससे मुनाफा हो, मुझे इससे प्रॉफिट हो। या हमें कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहा है तो उसका भी, सामने वाले का भी मोटिव यही होता है कि भाई मैं अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से मुनाफा यानी कि प्रॉफिट अर्न करूँ। यही एक्टिविटी है कॉमर्स। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कॉमर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट द एक्सचेंज। इसमें एक्सचेंज होता है, जैसे कि भाई मैंने सर्विस ली, ठीक है? मैं सलोन में गई, मैंने वहां पे अपने हेयर कलर कराया, ठीक है? अगर मैंने अपना हेयर कलर कराया है तो दैट मींस मैंने उनसे सर्विसेज ली है, ठीक है? और उस सर्विसेज में एक्सचेंज क्या है कि मुझे हेयर कलर मिल गया और उनको बदले में मुझसे पैसा मिल गया, तो ये एक्सचेंज हुआ हमारे बीच, राइट? कॉमर्स लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये एक बिजनेस है जिसमें मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं जो रन करते हैं, जैसे कि सलोन वाले सलोन का बिजनेस रन कर रहे हैं, एक दुकान वाला है किराने की दुकान वाला, ग्रोसरी शॉप वाला वो ग्रोसरी शॉप्स का बिजनेस यहाँ पे रन कर रहा है। ऐसे ही आप होलसेल देखते हो, जो रिटेलर्स उनसे सामान लेते हैं, तो होलसेल वाला होलसेल बिजनेस कर रहा है, रिटेल वाला रिटेल बिजनेस कर रहा है, कपड़े वाला कपड़े का बिजनेस कर रहा है, ठीक है? तो अलग अलग टाइप का है जहां पे एक्सचेंज होता है बेसिकली, क्यों? प्रॉफिट के लिए।
कॉमर्स लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए आप कोई भी चीज देखेंगे, अगर कोई चीज कहीं पे बनती है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि वहीं पे कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एप्पल्स चाहिए, ठीक है, एप्पल्स पहाड़ों पे, हमारे यहाँ कश्मीर के एप्पल्स बहुत फेमस है, ठीक है, शिमला वगैरह इस इन साइड्स के एप्पल्स बहुत फेमस है, तो देखिए वो वहां पे उगाए जाते हैं बट वहीं पे कंज्यूम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वहीं के लोग उनको खा लेंगे, वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। वहां के लोगों का मेन मोटिव ये होता है एप्पल्स को उगाने का कि भाई इसके बाद हम इसको सेल करें और प्रॉफिट अर्न करें, राइट। वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इट मस्ट बी कंज्यूम, जो कुछ भी जो प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, तो उसको कंज्यूम भी करना चाहिए टू फैसिलिटेट दिस कंजम्पशन। अब इस कंजम्पशन तक पहुंचने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखिए वहीं के लोग तो एप्पल्स खा नहीं सकते हैं जहां उगते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ठीक है। तो उसका ये सब बिजनेस के अंदर देखा जाता है, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, कि भाई वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसमें लाइक ट्रैवल वगैरह भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, कहीं पे उसको रखना भी है, ठीक है, प्रॉपर उसको लाइक देखिए चीजें सड़ जाएंगी कहीं तक पहुंचते पहुंचते, तो प्रॉपर उसको किस तरह के कंटेनर्स वगैरह में रखना, उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, कितने दिन में कंज्यूम होना चाहिए, कैसा उसको टेम्परेचर देना, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सब कौन देखेगा, ये सब बिजनेस के अंडर देखा जाता है। एंड बिजनेस इज व्हाट, बिजनेस इज कॉमर्स, राइट। हेयर कम्स द नीड ऑफ कॉमर्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द स्मूथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब देखा जाता है कॉमर्स के अंदर कि भाई एप्पल जो शिमला में यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, वो एप्पल बाकी जगह तक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, वहां तक जा कैसे पहुंचाना है, वहां तक जाते जाते खराब ना हो जाए, वहां पे कहाँ पे रखना है, कितनी उसकी कॉस्ट लगी है, किस हिसाब से वहां पे सेलिंग होनी चाहिए, कितने रेट पे होनी चाहिए, प्रॉफिट सबको हो। तो एक चैनल बनाना, एक मीडियम बनाना, वो काम है कॉमर्स का, ठीक है। ऐसे ही आप और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि कपड़े होते हैं, ठीक है, कपड़ों को यहाँ से वहां तक पहुंचाना, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि देखिए आप जहाँ रहते हैं और आपको कपड़ा पानी और जितनी भी खाने की चीजें हैं या जो भी चीजें आप यूज करते हैं वो सब वहीं पे बनी हो, वो डिफरेंट पार्ट से बनती है, वर्ल्ड के इंडिया के डिफरेंट पार्ट में बनी होती है और आप तक पहुंचती है, ठीक है, और सही सलामत पहुंचती है कि आप उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखता कौन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कॉमर्स देखता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं कॉमर्स की, ठीक है। एक डेफिनेशन यहाँ पे जेम स्टेप स्टेपिनसन ने दी है और दूसरी एवेलाइन थॉमस ने दी है। देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस कॉमर्स की नहीं है, कुछ ही है, उसमें से आप एक अगर डाल देते हैं तो दैट्स इनफ। मे बी आपकी बुक में आपको एक दो डेफिनेशंस और मिल जाए इनसे हटके, तो आप कोई भी डेफिनेशंस डाल सकते हैं, एक जरूर डालें लेकिन, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन डालने से ना आपके आंसर में एक निखार आ जाता है, एक स्पार्क आ जाता है, तो इससे ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। और देखिए कुछ इस तरीके से आप हाईलाइट जरूर करें जिसने वो डेफिनेशन दी है उसका नाम, ठीक है, और इस तरीके से डेफिनेशन को हमेशा मीनिंग में ही ऐड किया जाता है बट डेफिनेशन का हमें ऊपर हेडिंग प्रॉपरली डालनी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाली है, तो इस तरीके से आप भी जरूर डालें, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, आप इनमें से जो भी आपको इजी लगे वो चूज कर सकते हैं। मीनिंग को सिर्फ इतना ही लिमिटेड रखना है, और ज्यादा इसको लंबा चौड़ा आप ना बनाए, इतना ही रखें इसको, ठीक है, छोटा क्रिस्पी और बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बता दिया यहाँ पे कि भाई कॉमर्स का मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी आने वाले सेशंस में हम नेचर क्या है कॉमर्स का, ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है और बाकी सब टॉपिक्स, ये सब भी करेंगे। एंड आज की क्लास को सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रखेंगे, मीनिंग और डेफिनेशंस तक। बाकी सेशंस के लिए कॉमर्स के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या पर्सनली अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या नोट्स भी आप अगर आप लेना चाहते हैं जो बाय कूरियर आपके घर तक पहुंच जाते हैं अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे हमें हेलो लिखकर भेज सकते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी साथ में लिख के भेजें। माई टीम इज गोइंग टू रिप्लाई यू वेरी सून। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।